चल 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 हारिस रऊफ का ये कहना था कि ये इंडियन है, तो क्या मतलब किसी को भी इंडियन कह के ये मार देंगे? इंडिया से नफरत होनी चाहिए। अच्छा बदतमीजी तो की, मारने तो दौड़ा बीवी को चीजें बचा के, उसके अलावा उसे कह रहा है ये हिंदुस्तान नहीं है। है भाई, ये इंडिया नहीं है तेरा, वो बेशरम आदमी, पहले देख तो ले वो इंडियन है कि नहीं। इस टेपिये को ये लगा कैसे कि वो इंडियन बंदा है? मतलब तुम्हारे साथ बदतमीजी हो जाए तो इंडियन। इसने गाली दी है कि डैश डैश डैश, ये कोई इंडियन होगा, ये बात बोली है। और वो बंदा आगे से कहता है कि मैं इंडियन नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। बस वो हिंदू है बेटा, वो बुत प्रस्त है बेटा, नहीं जो इंसान है वो, लेकिन बेटा हिंदुओं के खिलाफ इंशाल्लाह, जब इंशाल्लाह जल्दी जंग छिड़ेगी। अच्छा। जल्दी मैं हिंदुओं को मार के ना, मैं ये समझूंगा शहीद हुए हूँ, शहीद हूँ, हम कुरान में तीसरे पारे में। हारिस ने ये जुमला बोलकर ना पाकिस्तान को भी एक तरह से जो है वो कंट्रोवर्शियल बना दिया है कि पाकिस्तानी फैंस या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, उनके दिल में इंडियन लोगों के लिए क्या चीज है कि ये कोई डैश 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 इंडियन होगा, क्योंकि ये इंडियन जाहिल गवार होते हैं, इनके बाप ने इनकी ये तरबियत की होती है। तुझे पता है वो इंडियन था? पीछे से फैन खड़े हो कह रहे हैं ये पाकिस्तानी, आगे से कह रहे हैं ये पाकिस्तानी, ऐसे नहीं होते इंडियन जाहिल गवार, इस तरह की बातें हरकतें करते हैं। आपको बता दूं, मेरी उनसे बात हुई तो ही इज कन्विंस्ड कि वो पाकिस्तानी है, वो सब फ्लो में वो बात कह गए। मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा नहीं, वसीम वो है पाकिस्तानी। बिल्कुल, देखिए उस्मान, ये एक सेंटेंस ने ना हारिस को मतलब एक तरह से कंट्रोवर्शियल कर दिया। अगर हारिस ही एक सेंटेंस नहीं बोलते तो मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, मैं आपको ये बात बकायदा लिख कर देने को तैयार हूँ कि इंडियन फैंस भी हारिस की साइड ले रहे होते। अगर ये एक सेंटेंस उस वीडियो में से एलिमिनेट कर दिया जाता तो आज इंडियन फैंस गुस्से का शिकार नहीं होते। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि इंडिया के फैंस को क्या पड़ी है हमारे प्लेयर्स से, या हारिस रऊफ कौन से इतने बड़े स्टार हो गए हैं कि इंडियन प्लेयर जाएगा और बोलेगा कि मुझे आपके साथ एक पिक्चर लेनी है। ये मेंटालिटी घटिया है, मैंने अपनी वीडियो में भी ये बात बोली है कि ये मेंटालिटी चीप है, नफरत इतनी भर चुकी है दिमागों में कि जब फिर गुस्सा आता है ना तो फिर इसी तरह के सेंटेंसेस निकलते हैं, फिर वो जो असल हेट होती है ना दिल में या दिमाग में वो बाहर आपको नजर आ रही होती है। इंडियन फैंस का ना कोई लेना ना देना, आदत पड़ गई, और फिर मीडिया भी इसको यूज कर रहा है, मीडिया भी या जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन इंस्टाग्राम पे आप देख लो, वो बाकायदा लिख रहे हैं इंडियन फैन। लाइक क्या फैक्ट्स हैं आपके पास कि वो इंडियन था? क्या उसने कहा मैं इंडियन हूँ? उसने मुंह से कहा मैं पाकिस्तानी हूँ? उसको क्या पड़ी? अगर वो इंडियन होता तो उसको क्या पड़ी हारिस रऊफ की फैमिली को अब्यूज करने की? उसका क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। तो काश हारिस रऊफ अपनी वीडियो में ये सेंटेंस नहीं बोलते तो आज सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया के लोग भी हारिस का साथ दे रहे होते। हारिस ने ये जुमला बोलकर ना पाकिस्तान को भी एक तरह से जो है वो कंट्रोवर्शियल बना दिया है कि पाकिस्तानी फैंस या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, उनके दिल में इंडियन लोगों के लिए क्या चीज है। ये चीज मेरे ख्याल से मैं बोलना चाहूंगी और मैं खुद अपोलोजाइज करना चाहूंगी उन तमाम इंडियन फैंस से जिनको बुरा लगा इस बात पर, नहीं बोलना चाहिए था हारिस रऊफ साहब के कारनामे। देखिये ग्राउंड में इनसे परफॉर्मेंस होती नहीं, कनाडा गली मल्ली की टीमें, इस तरह की टीमें, नेपाल, इथियोपिया, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, जिम्बाब्वे, पता नहीं केड़ी 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 केड़ी, उन टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस करके डोले छोले, हाथ डोले हाथ डोले, हा हू हा। जब से इसको ठोका विराट कोहली ने, इसको लाइन और लेंथ भूल गई है। वर्ल्ड कप 2023 की तारीख का बदतरीन महंगा तरीन बॉलर जो है वो कौन है? हारिस रऊफ। $25-25 में बेचा नहीं है अपने आप को, मुल्क को नहीं बेचा। ओ भाई, अगर फैन ने कह दिया तेरी बीवी साथ जा रही है, थोड़ा बंदा खातून साथ होती है शर्म होती है, बंदा इग्नोर करता है जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है। लोग जले में है, सड़े में है, कूड़े में है, पैसे लगा के आराम खोरो तुम्हें देखने जाते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हें दिलो जान से चाहते हैं, तुम्हें इज्जत देते हैं, हीरो बनाते हैं, आसमान में बिठाते हैं, दिलों में बिठाते हैं, ये उनका। अच्छा बदतमीजी तो की, मारने तो दौड़ा बीवी को चीजें बचा के, उसके अलावा उसे कह रहा है ये हिंदुस्तान नहीं है। है भाई, ये इंडिया नहीं है तेरा, वो बेशरम आदमी, पहले देख तो ले वो इंडियन है कि नहीं। वो कह रहा है पाकिस्तानी हूं, शर्म से डूब मरो यार, हर जगह तुम एम्बेसडर के लाने के लायक हो। आर यू गाइस वर्थ, इवन वर्थ के यू आर कॉल्ड एम्बेसडर्स ऑफ अ नेशन? क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। अगर तुमसे ग्राउंड में नहीं हो रही परफॉर्मेंस, अगर तुम्हारी फोत 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 है तो छोड़ दो क्रिकेट, रिटायरमेंट का कह रहा था ले ले, अल्लाह की कसम भाई, हिंदुस्तान का बीच में लाने की क्या तुक है? वो इंडियन क्यों कह रहा है तू उसको? तुझे पता है वो इंडियन है या अफगानी है या बंगाली है या
श्रीलंका या किसी और ना, तुझे पता है इंडिया नहीं क्यों कह रहे यार तू से, क्यों हमें शर्मिंदा कराते हो हर जगह, क्यों हमारी बेइज्जती कराते हो हर जगह? कोई हया नहीं, कोई गैरत नहीं, कोई शर्म, ये तेरा इंडिया नहीं है, जगह पाकिस्तान, शर्म से डूब मर यार, बेइज्जती करा देते हो हर जगह, कोई हया नहीं है तुम में, कोई गैरत नहीं है तुम में, तुम मुल्क को बेचते हो, बदनाम करते हो, शर्मिंदा कराते हो। कि दिल में आपके दिल में इंडियंस के लिए नफरत है बहुत ज्यादा? क्यों? बस वो हिंदू है बेटा, वो बहुत पुरस्त है बेटा, हम नहीं, जो इंसान है वो, लेकिन बेटा हिंदुओं के खिलाफ इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह जल्दी जंग छिड़ेगी। अच्छा। जल्दी हम लोगों के दिमाग जंगों से हिंदुओं को खत्म करने से बाहर कब निकलेंगे? एक मिनट मेरी बात सुने, आप सोशल मीडिया पर कह रहे हैं हिंदू है तो वो हम उनसे नफरत करते हैं, सोशल मीडिया पर आप खड़े होकर कह रहे हैं, ऐसे ही कोई हिंदू आकर यहाँ कहे हमें मुसलमानों से नफरत है, कैसा लगेगा आपको? बेटा बात इस तरह की, कैसा लगेगा ईमान से बताएं, मुझे तो बुरा लगेगा, आपको लगेगा बुरा? मैं हिंदू को मार के ना मैं समझूंगा शहीद हुए हूँ, शहीद हूँ, हम कुरान में है तीसरे पारे में है। अच्छा। जितने भी फौजी है ना हमारे, जितने भी पाकिस्तानी है, अल्लाह ने किसी बेगुनाह की जान लेने पर आप जहन्नम में जाएंगे, आपको पता है। नफरत है उन लोगों से, वो बहुत पुरस्त लोग हैं, हमारा उनसे कोई रابطہ नहीं, उन लोगों से हमारा कारोबार भी नहीं करने का, मेरी कुरान में है बेटा ये। अच्छा। ये बात कुरान में आ गई, हिंदू ने तो नहीं कहा कि आप जहाँ देखो हिंदू उड़ा दो, ऐसा तो नहीं लिखा। इस तरह अगर वो मुसलमान है, अगर अच्छे तरीके से वो रह रहे हैं तो उनको कुछ ना कहो, अगर वो एक्शन हमारे खिलाफ लेते हैं, हमारे खिलाफ लड़ते हैं तो फिर अगर एक बंदा अटैक कर रहा है तो फिर तो अटैक कर सकते हैं, मतलब तब आपस में लड़ाई छिड़ सकती है। अब ये तो नहीं है आपके सामने कोई हिंदू आ जाए आप कहें हाय हाय तू हिंदू है, तू तो मेरे दीन में ही नहीं है, तो आप उसको उड़ा दे, ऐसे थोड़ी होता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं बेटा? वो इंसान है, उनको ऐसे नहीं मारना चाहिए, जब वो एक्शन करते हैं तो हमारा फर्ज है उनको मार देना, बिल्कुल ये कुरान में है बेटा। देखिए जब आप, मेरा ख्याल है आप जहाद की बात कर रहे हैं, देखिए अगर कोई अटैक करे तो वो तो फिर एक अलग बात है कि लड़ाई हो जाती है, ठीक है, लेकिन आप बिना वजह कहें मुझे हिंदुओं से नफरत है, ईसाइयों से नफरत है, तो ये फिर आप गलत है बेटा। एक्शन अगर लेती हैं तो हमें भी एक्शन लेना चाहिए, अगर वो एक्शन लेते हैं, आप एक्शन लेते हैं, वो तो फिर एक अलग लड़ाई छिड़ जाती है ना, वो तो ठीक है, लेकिन बिना वजह किसी नॉन मुस्लिम की जान लेना, किसी मुसलमान की भी जान लेना सबसे बड़ा गुनाह है, इंसानियत को हर्ट नहीं करना। हाँ बिल्कुल, नहीं वो बात इस तरह है ना कि बेटा अगर वो एक्शन लेते हैं ना तो हमने एक्शन लेना चाहिए, अगर वो एक्शन नहीं लेते, नहीं लेते फिर हम इंशाल्लाह मुसलमान जो है वो पहले भी मैंने फरमाया कि पहले वार ना करे, वो कह रहे हैं तो फिर तुम्हारा अभी अगर वो आपको कुछ नहीं कहते आप स्टिल कहोगे मैं आकर मारूंगा आपको? नहीं ऐसा तो नहीं करते बेटा, हमेशा पाकिस्तानी जो जितने भी दुनिया में जंगे लड़ी हैं मुसलमानों ने पहल नहीं की है। अच्छा। पहले उन लोगों ने पहल की है बेटा। भाई तुम उनके मुल्क में हो, तुम उन्हें कह रहे हो दुश्मन मुल्क, तुम्हें हैदराबाद में इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट दी है, वो तुम्हें याद नहीं?